हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका अगर हम ट्रेंड देखते तो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का पैटर्न हमें दिख रहा है। रिसेंटली ही स्टॉक में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिखा है और प्राइस एक्शन भी मोमेंटम के साथ अपवर्ड साइड में दिख रही है। दोस्तों, फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम ये रिस्पेक्टिव स्टॉक का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट, तीनों टाइप के चार्ट ओपन करके हर एक चार्ट पे हमें किस तरह का सिनेरियो दिख रहा है वो देखेंगे। दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह के वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बाजू में एक ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक कीजिएगा। एक शॉर्ट वीडियो ओपन हो जाएगा, वहाँ से आपको रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन के लिए और अभी जो भी हम स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसके लिए जो भी डेस्कटॉप ट्रेडिंग टर्मिनल का हमने इस्तेमाल किया है वो है एडलविस का TX3 का डेस्कटॉप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। दोस्तों, अगर आपको एडलविस में डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के दिन के लिए हमने जो भी स्टॉक का सिलेक्शन किया है उसका नाम है रेमंड। तो रेमंड का डेली कैंडलस्टिक चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया। दोस्तों, ये पर्टिकुलर स्टॉक का हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर एनालिसिस किया था। समवेयर ये कुछ लेवल है इसके आसपास किया था। अगर वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मिलती है तो मुझे मैं वो लास्ट वीडियो की लिंक ये ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप हमारा प्रीवियस एनालिसिस देख सकते हो। और वो एनालिसिस करने के बाद स्टॉक में ऑलरेडी अपर साइड में मूवमेंट भी आई है और हमारा टारगेट भी हिट हुआ है। अगर आपने वो लास्ट एनालिसिस मिस किया होगा तो जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर आई बटन में मैं वो लास्ट वीडियो की लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से आप वो लास्ट एनालिसिस देख सकते हैं। अगर आप मिड टू लॉन्ग टर्म के ट्रेडर्स हैं तो डेफिनेटली आप ये स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स रहते हैं या तो स्विंग ट्रेडर्स रहते हैं जो कि स्विंग लो पे बाय करते हैं, फिर स्विंग आने के बाद सेल करते हैं, फिर स्विंग लो पे बाय करते हैं, स्विंग आने के बाद सेल करते हैं, तो इस तरह से जो स्विंग ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स रहते हैं जो कि मोमेंटम के साथ खाली ट्रेड करते हैं, मोमेंटम खत्म होने के बाद उसमें से एग्जिट करते हैं, तो जो उस तरह के ट्रेडर्स रहते हैं तो इस तरह के ट्रेडर्स ये जो उसमें मोमेंटम की शुरुआत होती है उस तरह के लेवल पे एंट्री कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट मिलने के बाद एग्जिट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर से हमें शॉर्ट टर्म में बाइंग का मौका नजर आ रहा है। अगर आप इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग बेसिस पे मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो अभी करंट सिचुएशन में हमें किस तरह से दिख रहा है हम ये देख लेते हैं। तो पहले इसका हम मंथली चार्ट ओपन करते हैं। अभी इसका मंथली कैंडलस्टिक चार्ट जब भी हम ओपन करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पे आने के बाद, ये पर्टिकुलर जो लेवल है ये लेवल पे आने के बाद स्टॉक ने सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद उसमें अपर साइड में मूवमेंट आने लगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था जो कि स्टॉक ने बना दिया था। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है और ये दोनों रेजिस्टेंस अगर आप देख लेते तो ये करंट मंथ की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दे रहे हैं। मान लीजिए अभी मंथ भी क्लोजिंग बेसिस पे, यानी कि क्लोजिंग मंथ की भी क्लोजिंग होने को आई है, मान लीजिए मंथली बेसिस पे क्लोजिंग हमें ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक पे और भी अपसाइड की मूवमेंट आएगी अगर ये मंथ का हाई अगले मंथ में ब्रेक होता है। तो इस तरह से मंथली बेसिस पे भी हमें प्राइस एक्शन नजर आ रही है। अभी मैं रिस्पेक्टिव स्टॉक का वीकली चार्ट ओपन करता हूँ और वीकली चार्ट के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं। अभी वीकली चार्ट के हिसाब से देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे स्टॉक ने एक बॉटम बना दिया। बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे इस तरह से हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनना शुरू हो गया। इसे हम स्विंग हाई स्विंग लो कह सकते हैं। और अभी इस तरह से एक स्विंग लो बनाने के बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट अपर साइड में आई है और स्विंग हाई के नज़दीक अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब भी हम वीकली बेसिस पे स्टॉक को देखने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि स्टॉक ने बहुत पहले ही यहाँ पे एक बॉटम बना दिया था और धीरे धीरे उसमें हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न चलने लगा। और उसमें फिर फर्दर अगर हम देखेंगे तो ये जो मोमेंटम था, यानी कि ये जो दायरे का मोमेंटम था ये थोड़ा स्लो मोमेंटम था, यानी कि उसमें अपर साइड की मूवमेंट बहुत ही स्लोली आ रही थी। लेकिन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोमेंटम में, यानी कि मोमेंटम बढ़ने लगा, स्टॉक की प्राइस जो अपर साइड में जाती है उसमें तेजी आने लगी और बहुत ही तेजी से उसमें फिर फर्दर अपर साइड में मूवमेंट आने लगी। और एग्जैक्टली यहाँ पे समवेयर हमने स्टॉक का पहले भी एनालिसिस किया था। तो ये वीक का भी, प्रीवियस वीक का भी अगर ये हाई ब्रेक करता है तो डेफिनेटली स्टॉक और भी ऊपर एक करंट वीक में भी जाएगा। तो शॉर्ट टर्म की ट्रेडर्स को डेफिनेटली ट्रैक कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट टर्म में जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और टेक प्रॉफिट हमारा थोड़ा दूर होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली सिप बेसिस पे भी इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप जब भी इसमें पोजिशन बनाएंगे हमारे लिए ट्रेडिंग का भी सोचना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राइट। तो इस तरह से वीकली बेसिस पे हमें प्राइस एक्शन नजर आ रही है। अभी मैं फाइनली इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ और डेली चार्ट के हिसाब से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रेंज अगर हम मार्कआउट करेंगे तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन मार्कआउट की है, ये ट्रेंड लाइन पे स्टॉक ऊपर जाने के बाद रेजिस्टेंस ले रहा था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, ये लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था, फिर से यही लेवल पे रेजिस्टेंस लिया था। तो मोर देन वन टाइम हमारे ट्रेंड लाइन पे स्टॉक रेजिस्टेंस ले रहा था और वहां पे हिट करने के बाद गिरावट आ रही थी। लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल है फाइनली यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया था, आप देख सकते हैं। और ये कैंडल ने फाइनली वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट दिया। अगले कैंडल ने इसका हाई भी ब्रेक किया, उसने डबल कन्फर्मेशन हमें दिया। और मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में पैनिक है, मार्केट पैनिकली ट्रेड कर रहा है, फॉल भी आ रहा है तो ज्यादा फॉल आ रहा है, लेकिन उस तरह के क्रैश मार्केट में भी ये स्टॉक अपर साइड में सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली ये हमें एक इंडिकेट कर रहा है कि ये ऊपर के साइड में सस्टेन हुआ है, तो इसमें और भी अपर साइड में मूवमेंट अपर साइड में आ सकती है। तो इस तरह से ये प्राइस एक्शन हमें दिख रही है। यहाँ पे ब्रेकआउट के हिसाब से भी हमने देख लिया कि किस तरह से ये ब्रेकआउट दिया है और सस्टेन होकर ट्रेड कर रहा है। अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, राइट। हिस्टोरिकल चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको यही लेवल प्रीवियसली भी अच्छी तरह से एज अ सपोर्ट वर्कआउट हुई है, रेजिस्टेंस वर्कआउट हुई है, इस तरह से दिखेगा। हम देखने की कोशिश करते तो आप देख सकते हैं, अभी इतना ही चार्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया था, यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद अपर साइड में मूवमेंट आई थी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभी जो करंट जो सपोर्ट हमने देखा था तो ये यहाँ पे हम देखते हैं ये लेवल पे था, राइट। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, हिट करने के बाद रिवर्सल आया था, लेकिन ब्रेकडाउन देने के बाद बहुत सारा इसमें गिरावट आई थी, राइट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल ने, ये जो कैंडल है, ये बड़ी वाली कैंडल जो हमारी ये निचले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दी थी, साइमल्टेनियसली ऊपर वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेकआउट दी है। तो मल्टीपल रेजिस्टेंसेस यहाँ पे ब्रेकआउट हुए हैं, विथ वॉल्यूम हुए हैं और अच्छे खासी बड़ी कैंडल के साथ क्लोजिंग बेसिस पे हुए हैं। तो एक इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका जो ट्रेडिंग दायरा है वो अभी शिफ्ट हुआ है ऊपर के साइड में और इसमें हम फर्दर अपर साइड की मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो प्राइस एक्शन दिख रही है, जो मोमेंटम दिख रहा है, वो भी हमें अच्छा खासा दिख रहा है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में मोमेंटम ट्रेड करने के लिए स्टॉक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें स्टॉप लॉस का दायरा नजदीक होना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस नजदीक ही होना चाहिए। स्टॉप लॉस दूर रहेगा तो रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म के ट्रेड में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो थोड़ा स्टॉप लॉस का दायरा दूर रख सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट में पैनिक भी बनता है तो स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती, राइट। तो ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हमें रिस्पेक्टिव स्टॉक में प्राइस एक्शन नजर आ रही है। अभी हमने अलग अलग तरीके से इसकी स्टडी की है, अभी हम क्विकली देख लेते हैं अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एंट्री भी करनी हो, एग्जिट भी करनी हो, स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो अभी करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रही है उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो 640 के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके आसपास हम इसमें पोजिशन बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ट्रेडर से तो आप शॉर्ट टर्म का चार्ट भी ओपन करके आपके हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अभी मैं थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसिडर करके उसके हिसाब से मैं स्टॉप लॉस का दायरा आपको बता देता हूँ। तो ये जो सपोर्ट है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। तो ये सपोर्ट के नीचे क्लोज आउट देगा तो फिर से इसका दायरा चेंज हो जाएगा, लेकिन जब तक ये सपोर्ट के नीचे क्लोज आउट नहीं देता तब तक ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये लेवल हम इसे 535 के आसपास कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 535 के आसपास हो जाता है, तो इसके नीचे क्लोज आउट देगा तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट के लिए डेफिनेटली जो हमारा शॉर्ट टर्म के ट्रेडर से जो रिसेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा पहला टारगेट हो सकता है, जो कि लगभग 700 के आसपास, यहाँ पे 708 दिख रहा है, तो 708 के आसपास इसको ब्रेकआउट देता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो डेफिनेटली अगले रेजिस्टेंस है जो कि अगला टारगेट हमें 830 के आसपास दिख रहा है, तो अगले रेजिस्टेंस हमारे अगले टारगेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में मुझे प्राइस एक्शन नजर आ रही है। अभी मेरी जो भी स्टडी है ये रिस्पेक्टिव स्टॉक के ऊपर की मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी दोस्तों आप मेरा ये वीडियो आप एज ए हेल्प इस्तेमाल कीजिएगा और आपकी जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है उसके साथ मर्ज करके आप आपका फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको जरूर फायदा हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो मेक श्योर आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियोस टाइमली बेसिस पे मिलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों अभी हमने ये लाइव चार्ट का एनालिसिस किया है तो डिस्क्लेमर बताना जरूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे आप जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।